ने ऊपर हुए बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर और हाई पावर कमेटी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में धन सिंह कंवर और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दस्तावेजों पर सुनवाई। मामला हाईकोर्ट जस्टिस आरसी एस सावंत के सिंगल बेंच के लगा है। दरअसल 23 अगस्त को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। साथ ही बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश में तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अजीत जोगी ने याचिका दायर की थी। उनका जो जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया है, उस पर आज दो हस्तक्षेप आवेदन, जिसमें नेशनल एससी एसटी कमीशन का एक आवेदन था और एक कंवर है जिनके खिलाफ अजीत जोगी ने डिपोजिशन का नोटिस दिया है 1 करोड़ का, उस पर कोर्ट ने सुनवाई की। उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए और पार्टी बनाया जाए कि नहीं बनाया, तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने उस पर आर्डर सुरक्षित रख लिया और अंतिम सुनवाई के लिए 6 तारीख से लगातार वो सुनवाई प्रकरण को फिक्स। भिंड थाना क्षेत्र